समय के साथ अक्सर लोग बदल जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय को बदलने में विश्वास रखते हैं। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर सुमन कांझा, जिन्होंने अपना सारा समय एज अ प्रोफेशन इन पेडियाट्रिक्स में लगा दिया। कहीं ना कहीं अपनी उम्र और अपनी चाहत को इन्होंने दूसरे को डॉक्टर बनाने में लगाया, और शायद यही वजह है कि स्टूडेंट्स के सबसे प्रिय प्रोफेसर सिर्फ कहलाते ही नहीं थे, यहाँ तक कि उनके स्टूडेंट्स ये बात मानते भी थे। डॉक्टर्स के काम को शान मानने वाले डॉक्टर सुमन कांझा ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। जिम्मेदारी का एहसास कम उम्र में उठाते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की, जबकि फैमिली सपोर्ट ना रहने के वजह से कई रुकावटें भी आईं। शायद यही वजह थी उन्हें एमडी करने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अपनी चाहत को उन्होंने मोहब्बत बनाई और आ गए 1961 में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और फिर क्या था, अपनी मेहनत और लगन का प्रमाण देते हुए उन्होंने अपना एमडी कंप्लीट कर लिया। जहां उनके बैच के सभी लोग एमडी कंप्लीट कर चुके थे, वहां ये उन सब से जूनियर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इन सब के बारे में अपनी नाराजगी किसी से नहीं बताई। पापा बहुत ही मेहनती थे और बहुत स्ट्रगल किए, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, बट ही कुड डू व्हाट, तो अपने लिमिटेड मींस में बहुत आगे बढ़े, और ही वाज पैशनेट अबाउट, जो भी करते थे उसको पैशनेटली करते थे। सबसे पहले पढ़ाई, तो उसका पैशन फैमिली के लिए हमेशा रहे, अपनी ब्लड रिलेशन सबके लिए हमेशा रहे, पूरी फैमिली के लिए हमेशा रहे। फिर पढ़ाने का पैशन रहा, फिर जब पहले तो खुद पढ़ने का रहा, उसके फैमिली तो हमेशा थ्रू आउट रहा, उसके बाद वर्क, वर्क मतलब पेशेंट्स देखना, और पेशेंट देखने में वो इंजॉय करते थे, मतलब उसको ही यूज़ टू, मतलब उनके लिए एक तरह से हॉबी ज़्यादा था। जैसे प्रैक्टिस भी जो करते थे, तो उनके समझो अगर 10 में से 70% पेशेंट्स उनके चैरिटी, चैरिटी का मतलब या तो फैमिली रहती थी या फ्रेंड्स रहते थे, रिलेटिव रहते थे, जिसको चार्ज नहीं करते थे। तो पेड पेशेंट्स उनके 10 में से शायद 3 ही होते होंगे, पर उसका कभी अफसोस नहीं रहता था, क्योंकि उनके लिए वो एक, इट वॉज अ मीन ऑफ मीटिंग पीपल, है ना, इसी बहाने लोगों से मिलते थे, बात करते थे। तो बिजी तो रहते थे, फाइनेंशियली वॉज नॉट गेनिंग दैट मच फ्रॉम हिज प्रैक्टिस, लेकिन ही इंजॉयड। तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट करियर वो रहा, फिर टीचिंग का तो रहा ही, है ना, जब तक उनका जो वर्किंग मेन फेज रहा उसमें काम करते रहे, पेशेंट्स देखते रहे, टीचिंग का रहा, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे। और दूसरा जो साइड बाय साइड था वो म्यूजिक और ट्रैवलिंग का था, जो कि जो अपने लिमिटेड मींस में काम करते हुए कर पाए वो किए। और म्यूजिक का उतना नहीं रहा, मतलब टाइम नहीं निकाल पाए वर्किंग, रिटायरमेंट के बाद फिर वो कहते हैं सेकेंड इनिंग्स उनका प्रॉब्ली ही इंजॉयड दैट मोस्ट, बाकी पीरियड तो शायद काम के स्ट्रगल में रहे, बट उनका जो सेकेंड इनिंग्स था उसमें वो सबसे ज़्यादा इंजॉय किए, जब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट 18 साल पढ़ाए, उसमें स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा उनका ही इंजॉयड मोस्ट विद देम, पढ़ाने में भी, और स्टूडेंट्स की फैमिलीज से भी अटैच्ड हो जाते थे, स्टूडेंट से पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे। उस समय ट्रैवलिंग का भी रहा, म्यूजिक को भी एक्सप्लोर किए, ही वॉज अ सेल्फ टॉट म्यूजिशियन, कहीं सीखे नहीं बट पैशन था, ट्रैवलिंग का और म्यूजिक का पैशन था, जो पहले फुलफिल नहीं कर पाए थे, बट कॉन्फ्रेंस के बहाने, बाद में रिलेटिव्स से मिलने के बहाने, स्टूडेंट्स से भी उनके घर तक मतलब वो इन्वाइट करते थे, तो उसमें भी नहीं सोचते थे कि स्टूडेंट है तो उसके यहाँ हम कैसे जाएं। सो सबको फैमिली, स्टूडेंट्स को भी फैमिली समझते रहे। यही कुछ वजह रही जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती रही। 1972 के दिसंबर में वो पहली बार पटना में कदम रखे, जहां उनका पद रजिस्टर्ड इन पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट पीएमसीएच में रहा। सब अच्छा चल ही रहा था कि उसी वक्त सरकार ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लिए नन प्रैक्टिस की घोषणा कर दी। ये सुनकर उस वक्त काफी डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। उसी वक्त इन्होंने भी पीएमसीएच में अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन वजह पेशेंट्स को लेकर उनकी जिम्मेदारी थी, और इस जिम्मेदारी को बरकरार रखते हुए उन्होंने ज्वाइन किया न्यू गार्डनर हॉस्पिटल, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल था। हम तो यही बोलिए कि ऑल इन वन है वो, बस इतना ही मेरा समरी हम निकाल दिए तुमको, ऑल इन वन जो लोग आता है उस टाइप के स्पेशल अपन थे, अपना वर्क हो एकदम जब होती थे, बहुत मेहनत किए, बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन बहुत अचीवमेंट भी हुआ, सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, और अंत तक में भी वो
जो हमको चाहिए था वो सब मिल गया, इस टाइप का उनका नेचर था। हमेशा पेशेंट का अपनी जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना उनकी आदत बन गई थी, तभी तो चाहे दिन हो या रात उन्हें इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता था। यही वजह है डॉक्टर सुमन कंझा को आज भी लोग भूल नहीं पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, इन सब के पीछे ऊपर वाले का लिखा हुआ होता है। शायद इसलिए वहां 2 साल बिताने के बाद उन्होंने NMCA ज्वाइन कर लिया एज अ पेडियाट्रिक्स लेक्चरर। फिर क्या था, मेहनत रंग लाई और वो प्रमोट होते चले गए। पढ़ना और पढ़ाना उनके जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था और उनकी एक आदत बन चुका था, जो कि उन्हें निखारता चला गया हर चीज में और उन्हें बनाता चला गया दूसरों से अलग। कैसा नेचर रहा है उनका, और आप जानते होंगे पहले से भी नेचर अच्छे इंसान थे, अच्छे डॉक्टर थे, बच्चे के डॉक्टर थे। किसी भी तरह का हमेशा वो रात में भी अगर जरूरत पड़ा तो उठ के चले जाते थे देखने के लिए, किसी के घर पर भी चले जाते थे, इसमें उनका कोई दिक्कत। और आपका उनका कनेक्शन कब तक रहा, मतलब कितने दिन तक रहा? हमारा उनका कनेक्शन जब तक पटना में रहा तब तक रहा। हमको लगता है कि 1995 में ही पटना छोड़ दिया, मतलब कभी पेशेंट के बाद वो चले गए यहाँ से नेपाल। पेशेंट से लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते थे, पेशेंट के लिए हमेशा तैयारी। इन सब के साथ संगीत से भी जुड़े थे, खुद गाना खुद बजाना, कहीं सीख ना ली लेकिन अपनी सीख को वो जगह देते चले गए जो उनके जाने के बाद भी कहीं ना कहीं रही जाएगी हमारे बीच। बच्चों में सबसे कम उनका रिलेशन सबसे कम बात उनकी मेरे से ही हुई थी, बाकी सब बच्चा लोग के साथ टाइम स्पेंड किए थे, उन लोग को पढ़ाए थे, मेरे साथ ही सबसे कम था। सोचा था कि जब MBBS में जाऊंगी तब पूरा दिन बैठ के पढ़ाएंगे, वो हो ही नहीं पाया नीट से बस एक दिन पहले ही। तो पर जब भी समय मिलता था अकेडमिक रिलेटेड तो कभी नहीं पढ़ा पाए ज़्यादा, बट नॉन अकेडमिक जब भी समय मिलता था, स्पेशली जब घूमने जाते थे तो बहुत इन्फॉर्मेशन देते थे, पढ़ाते थे, और वो भी बहुत एंटरटेनिंग वे में। और कभी कभी बचपन में याद है कि वो जब भी आते थे मेरे लिए चोको पाई लेके आते थे, वो उस समय मेरा फेवरेट होता था, आज अभी भी मेरा फेवरेट है, बट नेपाल से हमेशा चोको पाई लाते थे। उनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई जो कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लोगों के लिए और उनके घर वालों के लिए तो मानो ये मानना भी मुश्किल सा था कि उनके आसपास अब वो कभी भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने जो किया आज तक वो हमेशा रह जाएगा एक याद बनकर। 60 साल अपना उन्होंने पेडियाट्रिक्स को दिया और यही 60 साल उन्हें आने वाले समय में भी जिंदा रखेगी हमारी यादों में। आज ज़रूर समय बदल गया है लेकिन उन्होंने आखिरकार बदल दिया समय को भी अपने हिसाब से। माना कि अब वो किसी मरीज को ना देख सकते हैं, ना ही किसी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सुमन कांझा एक मिसाल और एक उम्मीद बनकर आज भी उन स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे जिन्होंने उनसे सीखा है और आज कहीं ना कहीं नामी डॉक्टर बन चुके हैं। स्टूडेंट्स का भी हक बहुत था, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का इंटरेस्ट बहुत था, और खास करके दो चार लोगों को इन्फॉर्मेशन जैसे गया था, दो चार लोगों ने फेसबुक के थ्रू, तो खैर उनके क्योंकि हम लोगों का इस टाइम पे भी हमको ध्यान है, शायद मेरे 300-400 के करीब फेसबुक में फ्रेंड्स, और पापा के कुछ 1200 फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स सब इतना भी वो कुछ ना कुछ सब
ये करता था कि फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट, सबको रिक्वेस्ट बना बना के फ्रेंड्स सब बहुत बने हुए हैं भाई पापा के, तो वो ऑलमोस्ट सब जगह हैं इंटरनेशनली, मतलब यूएसए में 2000 स्टूडेंट्स हैं, यूके में है बहुत, और इंडिया में तो सब जगह है ही है, तो स्टूडेंट सब है। उसमें से दो तीन स्टूडेंट सबका, दो तीन से ज़्यादा ही बोले सर, पाँच या छः का कॉल भी आया था फोन कुछ पापा के नंबर पे, और कुछ को मतलब मेरे पास था नंबर उस पर कॉल। तो उसमें से एक दो स्टूडेंट, एक तो खैर वैसे दुख प्रकट करते हुए, और एक तो एकदम बड़बड़ा के सर होता है वैसे दिल्ली में पदाम हुसैन जो है आया उत्तर वर्ग, तो इतना मतलब रोते हुए कि कैसे हो गया कैसे हो गया, क्या उतना ही पापा को था चाव से पढ़ाने का, पढ़ाने का करियर ऑल्सो कि हाँ यहाँ पे ज्वाइन कर लो या यहाँ पे नहीं करो, पीजी का ऐसे तैयारी कर लो। अपने बच्चों के बारे में हम लोग के सामने तो नहीं बोलते थे, कोई मिला तो बोलते कि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हम आई स्पेशलिस्ट हैं, या अपने आप वहाँ जाइए उनको दिखा लीजिए उनको जाइए, मैंने ये सब चीज़ बोल के उनको अच्छी खुशी लगती थी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर बकुल पारिक टू कम टू द डैश टुडे, फॉर्चुनेटली द एल्डर सन ऑफ डॉक्टर सुमन गांजा इज हियर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट हिम that kindly please let us all stand and put our hands together for that unsung hero who taught medical science for 60 years and hand over the certificate and the medal in his name to begin with. Can we have his सर ये मेडल लगा दीजिए इनको। Thank you, Mr. Pathak. It's a real honor that we have been given this platform by courtesy of Mr. Pathak, who in fact has paid homage to Dr. Suman Kant Jha, about which I will be telling you. But I think I must address the eminent presidents in succession, Dr. Digant Shastri, and of course previous presidents, Dr. Nitin Shah, Dr. Vijay Yowale, and then, of course, Dr. Digant Shastri, Dr. Bakul Bhai, and of course, Dr. Piyush Gupta and Dr. Ramesh. So, and all my OB friends, and certainly the most important one, dynamic one, is our Honorary Secretary General, who is continuing this year as well. About Dr. Suman Kant Jha, the way he paid homage, I think I must tell you that he was the person who was not only a real academician, but then he was such a marvelous person that he used to go to each and every conference, may it be state, may it be zone, may it be national, and he used to travel, you see, by simple methods. You see, once upon a time, because we had a very familial relation, in fact, my father-in-law and he was very good friend. They were very good friends. And my wife has been treated right from childhood, you see, by him only. And today, if she's alive, I think there's a lot of, credit to Dr. Suman Kant Jha. So he was the person who used to travel all along, you see, northeast once we went, he traveled by bus. A journey of 14 hours bus journey he took travel to, and he was so keen to actually see places all across India. So he was a great human being, I must tell you, and I bow my head, and what an homage Mr. Pathak, his nephew, has awarded to him.
I think we all bow our head. About our, you see, the this 2020 team, which actually I was thinking that our connections like umbilical cord is cut. We are going to be over. But then there was a lot of, you see, life which was given to me right now. Once Bakul bhai told me that no, we are going to go it further. In coming years also we are going to meet. So I thank you, Bakul bhai. I'm really proud of you. And I'm sure that the way the things have moved throughout 20, I think we must pay homage not only to only Dr. Suman Kant Jha, who fell down to this COVID, but then there are a lot, many of our friends, actually, who have succumbed to COVID. And there are many in this hall who have really survived COVID. So everyone should be really congratulated who have survived, but I think we must pay homage to the souls who have really departed.